एक रिसेंट पॉडकास्ट में इमामुल हक ने एक भाई साहब एक बात बोली है जो इंडियन फैंस को काफी ज्यादा फायर कर रही है। कहीं ना कहीं इमाम ने कहा है कि भाई जब विराट कोहली और नवीन उल हक के बीच में जब बहस हुई थी आईपीएल के दौरान, विराट कोहली बेंगलोर की तरफ से खेलते हैं, हम सभी को पता है, नवीन उल हक लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते थे, वहां पर दोनों के बीच में फाइट होती है और फाइट काफी ज्यादा वायरल होती है, जहां पर नवीन उल हक और विराट कोहली के बीच में मैच के बाद में भी ऐसा लग रहा था कि फाइट हो जाएगी, हाथापाई हो जाएगी, उसी बीच में गौतम गंभीर भी आ जाते हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा वो फाइट वायरल होती है। ऐसे में ही इमामुल हक ने कहा है कि वहां पर सलमान अली आगा ने, जो कि पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं, स्पिनर हैं, बैटिंग है, यानी कैसे तो ऑलराउंडर हैं, उन्होंने कोहली के इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था। उनका कहना है कि सलमान अली आगा ने मैसेज किया था, कहा कि कोहली बच्चे शांत हो जाओ, क्या हो गया। सलमान अली आगा कौन जानता भाई उनको, और वो ऐसी बातें बोल रहे हैं कोहली को, भाई तू बच्चा है उसके सामने, तू बच्चा ने बीवी है भी उसके सामने, कोहली के सामने, तुमने ऐसी बोलने की सोची भी कैसे। ये इंडियन फैंस को पसंद नहीं आया और ये चीज़ कल से काफी ज्यादा वायरल है। आपके इसके बारे में क्या सोचना है? क्या सच में सलमान अली आगा ऐसा बोल सकते हैं कोहली को? क्या वो सच में कोहली के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? भाई कोई आम प्लेयर नहीं है कोहली, जिस तरीके से तुम सोच रहे हो। और इमाम, बाकी लोग, मतलब वो भी शौक थे कि सलमान ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो लोग हंसने लगते हैं, वो लोग सोचते हैं कि सलमान अली आगा और कोहली को ऐसी बातें बोल रहा है, थोड़ा सा सोचने का विषय तो है। बाकी सलमान के लिए मेरा एक सलाह है कि भाई तुम क्या सोचते हो, कोहली क्या है और तुम क्या हो, पहले कंपैरिजन कर लो, उसके बाद में बोला करो। फिलहाल आप सलमान अली आगा के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। एंड आज कुछ वीडियो बस इतना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो इस तरीके से और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।